I always talk spouse visa most of the time. And I've got so many cases that I want to share to the public to show what kind of insane mistakes do happen in spouse visa applications. I hope they don't do this if they want to avoid refusals, but sometimes mistakes are done even from the immigration side. I've made many videos about it. पहली बात तो यह है कि कई लोग मेरे से ये ईमेल करते हैं कि आप इंग्लिश में ना बोला करें, इंग्लिश में बोलने से उनको तकलीफ होती है, पता नहीं क्या बोल कहते हैं, नहीं जी आप या तो हिंदी में बोला करें, हिंदी ज़्यादा लोग समझते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब हिंदी बोलते हैं तो कुछ लोग जो कनाडा में जो है, जो से पीपल फ्रॉम साउथ और चाइनीज एंड फिलीपींस एंड अदर पीपल, दे से व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू नो कौन सी लैंग्वेज है ये। दैट्स अ बिग चैलेंज कि इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलें, पंजाबी बोलें, यू नो दिस इज डिफरेंट। एनीवे ये जो वीडियो हम है इसको हम हिंदी में करते हैं फॉर नाउ, देखते हैं इसका क्या कैसा रिस्पॉन्स आता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये रिफ्यूज़ल है, ये रिफ्यूज़ल ये मेरे ख्याल है कि 2 बार हो चुकी है रिफ्यूज़ल, इससे पहले भी 1 2 बार वेस्टर्न वीज़ा हो चुकी है, और ये तीसरा है जो वर्क परमिट का हुआ है। इसमें जो हस्बैंड है ये बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं वैंकूवर में, इन्होंने वाइफ को स्पॉन्सर किया। पहले तो कंपनी वालों को पता नहीं था कि स्पॉन्सर कैसे कर दे, उन्होंने कहा कि जी आप वेस्टर्न वीज़ा मंगा लो, तो वेस्टर्न वीज़ा पर करा, तो वहाँ पर उसे मैरिज सर्टिफिकेट लगाए नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी, पहले मैरिज सर्टिफिकेट बात नहीं, वैसे रेगुलर वेस्टर्न वीज़ा किया, उसमें नहीं हुआ। तो दूसरी बार जब किया तो उसमें पहले में उनका आया कि यू आर लैकिंग द प्रूफ ऑफ मैरिज, तो दूसरी बार वेस्टर्न वीज़ा किया तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाया, फिर भी नहीं लगा। अब तीसरी बार अब देखें, ये जो उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया किसी कंसल्टेंट से, आई थिंक फ्रॉम इन तेलंगाना, वहां पर ये जो कैप्स नोट्स आए हैं वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। कैप्स नोट्स क्या कह रहे हैं, कैप्स नोट्स बड़े सिंपल हैं। मैंने प्राइवेसी के लिए कुछ इंफॉर्मेशन हटा दी है कि हस्बैंड काम कर रहे हैं एज अंडर C41, ठीक है, लेटर ऑफ ऑफर एम्प्लॉयमेंट वाला सब कुछ है, प्रोजेक्ट हो रहा है, पे स्लिप्स भी हैं, सब कुछ है, ये सब कुछ है। दोनों की मैरिज हुई है 2019 में, और पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई कम्युनिकेशन, ज्वाइंट बैंक अकाउंट कुछ भी नहीं है कि भाई उनकी रिलेशनशिप कैसे था और आज भी वो चल रहा है, चल रहा है। देखो ये कंसल्टेंट जो तेलंगाना में जो कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं, तो ये वो रिफ्यूज हो गया। असली चीज जो मैं आपको दिखानी थी, एक जो वीजा ऑफिसर ने लिखा है कि दोनों के पासपोर्ट में लास्ट पेज में एक दूसरे के पासपोर्ट में नाम नहीं है स्पाउसेस के, तो ये मेरे को बड़ा हैरानी हुई कि भाई वीजा ऑफिसर इस चीज को क्यों सीरियसली देखते हैं, या इसमें क्या राज है। शादी जब हम लोग करते हैं इंडिया में तो जरूरी नहीं है कि पासपोर्ट में सबके नाम चढ़वाएं, अगर एक आधार कार्ड में अगर बनाना है फ्रेश, या कोई बैंक अकाउंट खोलना है उसमें हस्बैंड वाइफ के नाम हो सकते हैं, या पैन नंबर है, या उसमें शायद पैन नंबर पे तो नहीं, वोटर कार्ड में दोनों के सेम एड्रेस हो सकते हैं, आधार कार्ड वोटर राशन कार्ड में हो सकता है, अगर राशन कार्ड बनाते हैं तो उसमें हो सकता है, लेकिन पासपोर्ट में दोनों के नाम लिखवाना है, इज दैट यू नो सच अ मैंडेटोरी रिक्वायरमेंट कि आपने पासपोर्ट में नाम नहीं लिखवाया। इसलिए मैंने उसको एक रिफ्यूजल का एक रीजन ही नोट कर लिया, विच इज आई थिंक इज गोइंग टू फार। बट एनीवे मैंने आपको दिखाना था कि ये भी एक एक रीजन है, तो अगर आप लगा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन इन फ्यूचर में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई साहब अपने पासपोर्ट में एक दूसरे के नाम चढ़वा लें, आपको हेल्प हो सकती है। तो सिर्फ मेरे को ये दिखाना था, और मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ हस्बैंड से, अगर वो मिल जाते हैं तो जरूर मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा और उनका भी रिएक्शन मैं दिखाऊंगा कि क्या हुआ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, प्लीज राइट योर कॉमेंट्स, और याद रखना कि स्पाउस वीजा में जितनी रिसर्च हमारी टीम करती है उतनी रिसर्च मैं नहीं समझता हूँ कि कनाडा में या इंडिया में कोई कंसल्टेंट करता होगा। स्पाउस वीजा इज आर लाइफ लाइन, इज आर मेन सोर्स ऑफ यू नो बिजनेस एप्लीकेशन। थैंक यू, टेक केयर।